ना समोसा, ना कचौरी, ना पकौड़ी आज मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही न्यू रेसिपी, और इसे मैंने पहली बार ही बनाया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे उबले हुए आलू ली हूँ, और इसको हम छील लेंगे और छील के मैश कर लेंगे। इसकी हम स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पे गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी, उसमें ऑयल डाल के गर्म होने के लिए। गर्म हो गई थी तो उसमें हम एक चम्मच जीरा और थोड़ी सी राई डाल देंगे, आधा चम्मच जितना। उसके बाद इसे भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। और इसमें आधी कटोरी जितना मूँगफली डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। थोड़े से भूनने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, उसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम फिर से इसमें एक चम्मच जितना क्रश की हुई धनिया डाल देंगे। धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में। और उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे, जिसमें से धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डाल के थोड़ी सी मटर डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी धनिया मिक्स करके हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इधर हम 1 कप जितना सूजी ले रहे हैं, उसमें आधे कप जितना मैदा डाल देंगे, और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे। इसे हमें रोटी जितना आटा लगाना है, और उसके बाद इसे हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि सूजी इसमें की अच्छे से फूल जाए। इसके बाद हम एक कटोरी लेंगे, इसमें 2 चम्मच मैदा लेंगे और पानी डाल के इसे हम इसका एक घोल बना लेंगे, और इसे हम साइड में रख देंगे। घोल बना के इस तरह का हमारा घोल होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे इंडक्शन पे तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए। और इधर भी आटा हमारा फूल चुका है, इसे थोड़ा सा हम हाथों से एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद हम पूरी पूरी से थोड़ी सी बड़ी हम लोइया लेंगे और उसे बेल लेंगे, और पूरी से थोड़ी बड़ी बेलनी है। और उसके बाद हम इसे तवे पे डाल देंगे। तवे पे हमें इसे हल्का हल्का सेकना है दोनों साइड से, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, और इसे हल्का ही दोनों साइड से हम सेक लेंगे इस तरह से। और इसे हम थाली में रख देते हैं, और उसके बाद इसी तरह से हम सारे रोटी को बेल के सेक लेंगे हल्का हल्का। और उसके बाद यहाँ पे हमने 5-6 सेक ली थी, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें से आप थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, और उसके बाद इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम इसमें जो घोल बनाए थे मैदे का, उसको लगा देंगे अच्छे से। फिर इस तरह से मोड़ लेंगे, और ऊपर भी इसके साइड घोल लगा देंगे, और फिर इस तरह से बंद कर लेंगे इसको। और थोड़ा थोड़ा खुला रहे तो आप मैदे का जो घोल है उसको थोड़ा और ज़्यादा लगा के और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, नहीं तो तेल में जाने के बाद खुल जाएगा। और अच्छे से अगर बंद रहेगा तो तेल में ये नहीं खुलता है। और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना था ये रेसिपी। मैंने भी पहली बार इसे ट्राई किया है। आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहा था खाने में। और यहाँ पे हमारे यहाँ लाइट कट रही थी, आ रही थी, तो मैं कभी इंडक्शन पे गैस पे बना रही थी, और थोड़ा कभी मैं खड़े होकर बनाती हूँ, कभी बैठ के बनाती हूँ। हमारे यहाँ थोड़ा रैक बहुत छोटा है तो बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं कभी नीचे बैठ के बनाने लगती हूँ वीडियो, और कभी खड़े होके। तो यहाँ पे मैंने सभी समोसे को फ्राई कर लिए हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल दी थी। और आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, और मैं आपको सुना भी देती हूँ कितनी क्रिस्पी है। आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।